आपने जो संविधान को लेकर जो बयान दिया और फिर उसका जो मतलब निकाला गया, तो क्या वो बात क्या कही थी आपने और कांग्रेस ने जो मतलब निकाला उस पर क्या कहोगे? वो बयान तो बयान नहीं था, पहली चीज तो वो भाषण का पार्ट था, और उसकी जो वो क्लिप कांग्रेस पार्टी ने खुद ने अपनी ऑफिशियल हैंडल पे लगाई है, उस पे जाकर के कोई भी सुन लेगा तो पता चल जाएगा, तो उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसको तो एक गलत संज्ञा दे करके और उसका बिल्कुल ही उल्टा मीनिंग जो है उसको चलाया जा रहा है। भाषण सुनेंगे तो उसका कुछ अलग मतलब है, और उसका जो मायना निकाला जा रहा है वो बिल्कुल अलग मतलब है, चाहे वो शशि थरूर जी हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जी हों, सब अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और पब्लिक को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ थी। कांग्रेस वालों के पास मुद्दे नहीं बचे, क्या लगता तो ऐसा ही है कि वास्तविक कोई मुद्दे बने नहीं, इसलिए गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से आशा करते हैं कि हमें आप बहुमत दें, अच्छा बहुमत दें, हमें जिताएं, हमारी सरकार बनवाएं और अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनवाएं। और ये तय बात है कि अगर एक कानून के अंदर एक प्रावधान दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आज तक भी 106 बार बदला जा चुका है, तो कोई नई बात नहीं है। अभी लास्ट में जब बदला था तब महिला आरक्षण बिल आया था, तो वो जनता की भलाई के लिए था। पंचायती राज आया था तब संविधान में संशोधन करके आया था। रिजर्वेशन जब हमारे SC भाइयों को और SC को मिला था तो वो संशोधन करके मिला था। तो इसको पता नहीं क्यों इसको एक पतंगड़ बना रहे हैं जिसका कोई मायने ही नहीं निकलता, उसको बिल्कुल गलत मीनिंग लगा कर सोशल मीडिया पे चला रखो उसको हवा देने के लिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और NDA का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार NDA की सरकार आती है तो शर्तिया